भाई ने यहाँ पर कुश्ती कराने का काम किया, जिससे कि यहाँ सब। राजधानी दिल्ली के अड़कपुर गांव मोतीबाग में तीसरे विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया गया। इस इनामी दंगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मास्टर चंदगी राम के पूर्व शिष्य और दिल्ली पुलिस रिटायर्ड एसपी दिनेश कुमार शर्मा की वहां विशेष उपस्थिति रही। संजय, विशाल, राजू, अजय, भोला, कार्तिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने यहाँ कुश्ती की। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन अधिवक्ता ललित चौधरी ने किया। यहाँ भारत की ओर से हिंद केसरी, दिल्ली चैंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए हजारों की संख्या दर्शक मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रीय पहलवान हनुमान लाड़पुर से यहाँ अपने पहलवानों के साथ शामिल हुए। आगे न्यूज में देखिए। और आज ये विशाल दंगल यहाँ मोतीबाग में आयोजित हुआ है, जिसका जो है आयोजन ललित जी ने किया। तीसरा ये दंगल है। भारत की पहचान अगर यूं कही जाए कि कुश्ती से ही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तो 2014 के बाद हम देख रहे हैं, जब से केंद्र में नई सरकार 2014 के बाद बनी है, नई इस जो 14 के बाद की जो सरकारें हैं, सरकार रही हैं, दूसरे समय का कार्यकाल चल रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में खेलों को बहुत प्रोत्साहन मिला है, खास तौर से कुश्ती को बहुत प्रोत्साहन मिले हैं। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय परमादरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने विशेषकर पहलवानों को तो बहुत ही प्रोत्साहित किया है। इस भाई ने यहां पर कुश्ती कराने का काम किया, जिससे कि यहां सब जो सुबह सुबह जाएंगे, जो कुश्ती के खेलों प्रति रुझान बढ़ेगा, ये बहुत ही अच्छा कार्य करवाया इस नौजवान ने। और हमारा हमेशा आशीर्वाद रहेगा भाई, हमारी चैंपियन हनुमान पहलवान और हमारे आयोजक अजीत सिंह जी प्रॉपर्टीज के मालिक। और इसी कड़ी में हमारे एडवोकेट साहब आदरणीय श्रीमान राहुल सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय मुक्कल पहलवान गांव लाड़पुर हरियाणा, और साथ में हमारे ललित जी स्वागत कर रहे हैं मोटे कोच का। और बहुत बहुत शानदार दंगल भाई ललित ने कराया। और ललित ने जो दिल्ली देहात में जो यहाँ पर बिल्कुल भी नशे में डूब चुके हैं नौजवान,